नवागत डीआईजी ललित शाक्यवार और पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने सभी पत्रकारों से परिचय प्राप्त करते हुए आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर एसपी अमित सांगी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता के तौर पर छतरपुर जिले के नागरिकों को संवेदनशील पुलिस देने का प्रयास किया जाएगा। उन्हें पुलिस संवेदनशील नजर आएगी और जो कानून तोड़ रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी अमित सांगी ने कहा कि राज्यों में अपराध को रोकने के लिए समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। डीआईजी ललित शाक्यवार ने कहा कि सभी जिलों के एसपी से समन्वय स्थापित करते हुए संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचीबद्ध करते हुए संवेदनशीलता के साथ बेहतर काम किया जाएगा। मैं सबसे पहले कल बुंदेलखंड या मैं बुंदू पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रामनवमी का जुलूस यहाँ पे निकलना है और उसके लिए मैं समस्त छतरपुर वासियों को पुलिस परिवार छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं जो यहाँ पे सभी छतरपुर के नागरिक हैं उनको एक संवेदनशील पुलिसिंग देने का मैं प्रयास करूँगा।